गरीबों के घर में अंधेरा, अमीरों के घर में उजाला। मजे में उच्च अधिकारी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की है ये कार्यवाही। ये कहना है जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष का। विद्युत मंडल दोहरी नीति अपना रहा है, जहां एक ओर छोटे व्यापारी किसानों पर महज 2,000 रुपये के बाकी बिल पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं है, वहीं बड़े अधिकारियों के निवास और ऑफिस के करोड़ों रुपए बाकी होने के बाद भी उन पर किसी तरह की कार्यवाही करने के मूड में नहीं है। ये कहना है जनता दल के सेकुलर अध्यक्ष शिव सिंह का। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बारे में मुझे कल जानकारी हुई कि 3 करोड़ से ऊपर जो है प्रशासनिक अधिकारियों का विद्युत बिल बकाया है। तो मैंने पूरी सूची प्राप्त किया, उस सूची में मैंने देखा कि नगर निगम का करीब 1 करोड़ से ऊपर, PHAI का 1.5 लाख से ऊपर, इसी तरह कलेक्टर का, कमिश्नर का और ये AG कॉलेज का, मैंने पूरा प्रबंधन का मिला करके, प्रशासनिक अमलों का मिला के लगभग 3 करोड़ से ऊपर विद्युत बिल बकाया है। तो और ना ही आज तक विद्युत विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की बिजली काटी गई। पुलिस के करीब 1.5-2 लाख रुपया करीब पुलिस विभाग का भी बाकी है। तो मैंने ये देखा कि जब मुकदमा विद्युत विभाग पेश करता है तो आम जनता और किसानों पर यदि 2,000 रुपया से ऊपर का बकाया है तो तत्काल किसान के ऊपर, आम जनता के ऊपर कोर्ट में मुकदमे पेश कर दिए जाते हैं। तो मेरा आरोप है, और कनेक्शन भी छेद कर दिया जाता है, तो मेरा आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों के जो प्रमुख हैं, जिनका करोड़ों रुपया, लाखों रुपया विद्युत बिल बकाया है, उनके खिलाफ MP भी क्यों मुकदमे कोर्ट में पेश नहीं करती, ये मेरा आरोप है। और मैं इस पे शिवराज सरकार को दोषी मानता हूँ कि ये गरीबों से पैसा वसूल कर मध्य प्रदेश की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और ऐसे प्रशासनिक अमलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मैं नगर निगम पर आरोप लगाता हूं कि सबसे भ्रष्ट यदि विभाग है देश के अंदर तो नगर निगम है, और तब भी 1.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल बाकी है। तो मेरा ये सरकार से कि यदि शिवराज सिंह जी आप ईमानदारी से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले, चाहे वो कमिश्नर हो या कलेक्टर हो या पुलिस के लोग हों या PHAI के लोग हों या कृषि विभाग के डीन हों या स्वास्थ्य विभाग के डीन हों, जिनके अंडर वो विभाग है, चाहे वो बाढ़ सागर परियोजना का विभाग हो, वहाँ भी करोड़ों रुपया बाकी है, सारे लोगों के खिलाफ आप MPB अधिनियम के तहत धारा 135 138 के तहत कार्रवाई करने का काम करें, तभी ये देश या प्रदेश जानेगा कि आप स्वच्छ छवि और ईमानदारी की छवि से आप काम करने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ की रकम कम नहीं होती। गरीब जनता एक ओर और नगर निगम एक ओर। जी हाँ, नगर निगम पर विद्युत मंडल का 1,53,00,000 रुपए बकाया है। सबको मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा की रकम बाकी है। ऐसे में अगर विद्युत मंडल गरीब जनता को छोड़कर इन अधिकारियों पर ध्यान लगाए तो वो काफी वसूली कर सकता है।